बीएलओ ने 86 जिंदा लोगों को बना दिया मुर्दा। समाधान दिवस पर की शिकायत। बरेली की तहसील मीरगंज पर समाधान दिवस पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। आपको बता दें कि एक बीएलओ पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उसने बिना कोई जांच करे गांव के 86 जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया, जिससे वो आने वाले पंचायत चुनाव में वोट नहीं दे सकते। मंगलवार को एसडीएम मीरगंज ममता मालवीय लोगों की समस्याओं को सुन रही थी, तभी तहसील के ग्राम चंदपुर काजियान से आए ग्रामीणों ने एसडीएम को अपने यहां के बीएलओ रूप किशोर पर बड़ा आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि बीएलओ ने बिना जांच किए और गांव की दूसरी पार्टी से मिलकर 86 जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया है, जिससे वो आने वाले पंचायत चुनाव में वोट नहीं दे सकते। ग्रामीणों ने बीएलओ को शराबी बताया और कहा कि वो हमेशा शराब के नशे में रहता है। ग्रामीणों ने एसडीएम से मांग की है कि आरोपी बीएलओ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। गांव के रहने वाले मोहम्मद अफजाल ने गांव के बीएलओ पर आरोप लगाया कि दूसरी पार्टी से मोटी रकम लेकर बीएलओ ने 86 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। बीएलओ ने राजनीतिक दबाव में आकर किया है। उन्होंने एसडीएम से शिकायत की है कि बीएलओ पर कार्यवाही की जाए। बरेली से अकरम मियां की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद अफजाल। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि हमारे यहाँ चंदपुर काजियान में बीएलओ रूप किशोर है, उनके द्वारा जो है 86 लोगों के लिए मृतक दिखाकर इन लोगों के वोट काट दिए गए, जबकि अनंतिम सूची में इनका नाम था और जब अंतिम सूची आई उसमें से इन लोगों के नाम काट दिए गए। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि रूप किशोर जो है राजनीतिक दबाव में आकर उन्होंने किया है और मोटी रकम लिए, पैसे लिए हैं दूसरी पार्टी से। तो आज आपने एसडीएम साहब से शिकायत की? एसडीएम साहब से हमने शिकायत की। एसडीएम साहब बोले कि हम देखते हैं मामले को, उन्होंने कोई गंभीरता से मामले को नहीं लिया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बीएलओ खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, बीएलओ को हटाया जाए हमारे यहाँ से। तो उन लोगों को मृत घोषित दिखा दिया है? मृत घोषित दिखा दिया है सब लोगों के। और वो लोग जिंदा हैं? जबकि वो लोग जिंदा हैं, सारे लोगों के साक्ष आधार कार्ड वगैरह सब हमने तहसील में दिए हैं, पूरी फाइल बना के दिए। तो एसडीएम साहब ने कोई आदेश वगैरह किया है? एसडीएम साहब ने कोई आदेश नहीं किया, बोले हम जाँच करवाते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं बोले, बाकी कुछ नहीं होगा, जाँच करवा के देखते हैं हम।